सबसे पहले एंड करें नेशनल इनकम, और हम लोग नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। तो सर, नेशनल इनकम न्यूमेरिकल के अंदर आता क्या है? आपको निकालनी है आपके देश की इनकम, मतलब इस पूरे क्वेश्चन में आप इंडियाज टोटल इनकम, इंडियाज टोटल इनकम निकालना चाहते हो। अब सर, आप देश की जब नेशनल इनकम निकालना चाहते हो एट मैक्रो लेवल, जब आपको पूरे देश की नेशनल इनकम निकालनी है एट मैक्रो लेवल, तो उसके पहले आपको ये बात जरूरी समझना पड़ेगी कि अगर आपको इनकम निकालनी है एट माइक्रो लेवल, किसी भी इंसान की अगर इनकम निकालनी है एट माइक्रो लेवल, तो आप कैसे निकालेंगे? अगर मैं नॉर्मली डायरेक्टली स्टार्ट करना चाहता हूँ इनकम मेथड्स, मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ इनकम मेथड से, तो जो इनकम मेथड होती है वो इस बात पे आती है कि अगर कोई मुझसे पूछे कि रितेश सर आपकी इनकम कितनी होगी, या आप कितना कमा लेते हो, या कहाँ कहाँ से कमा लेते हो। ये दोनों तीनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप कितना कमा लेते हो और आप कहाँ कहाँ से कमा लेते हो। तो उसमें जो आपका फर्स्ट एंगल बनता है, मैंने बोला देखो यार, थोड़ा बहुत मैं कॉलेजेस में पढ़ा लेता हूँ, तो वहां से मुझे एक सैलरी का पार्ट मिलता है जिसको हम बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इसका मतलब सर क्या आप कॉलेजेस में पढ़ाते हो? मैंने बोला हाँ, मैं एक दो कॉलेजेस में पढ़ा लेता हूँ, तो वहां से मुझे मिलती हैं सैलरीज एंड वेजेस। क्या मिलती हैं? सैलरीज एंड वेजेस। ठीक है सर, तो सर कुछ ना कुछ आपको सैलरीज एंड वेजेस मिल जाती होंगी। मैंने बोला हाँ, मान लो 20,000 रुपीज यहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है ना सर, ये भी ठीक है। अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आपकी क्या आ गई? सैलरीज एंड वेजेस। ठीक है सर, ठीक है ये बात। इसके साथ सर और कुछ मिलता है क्या यहाँ से? यहाँ से एक और चीज मिलती है दोस्तों, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। मेरा जो एम्प्लॉयर है वो मेरी सोशल सिक्योरिटी के लिए, मतलब मेरे प्रोविडेंट फंड के लिए, मेरे रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए भी मेरे से सैलरी में से ही 2,000 रुपए अलग से काट के जमा कराते हैं पीएफ। मतलब इसका मतलब एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। आप इसको चाहो तो SSS बोल सकते हो, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ये अलग से मिलते हैं जब मैं अपनी जॉब छोड़ता हूँ, या एक टाइम पे 10-1 साल हो जाते हैं जॉब में, वो पैसा मुझे एकमुश्त होके मिल जाता है। ठीक है, तो सर ये भी मेरे हर महीने 2-3 हज़ार रुपए डाल देते हैं एम्प्लॉयर। सर यार ये बात आपने अलग अच्छी बोली कि हाँ यार ये भी डाल देते हैं। सर इसके अलावा कभी कभी हम कुछ टारगेट अचीव कर लेते हैं, तो हमको बहुत बार पेमेंट इन काइंड, मतलब क्या, किसी महीने कोई फोन मिल गया, किसी महीने कोई ट्रिप मिल गई, तो पेमेंट इन काइंड भी हो जाता है। मतलब एवरेज 2 से 3 हज़ार रुपए का अगर आप उसको बोलो बोनस और पेमेंट इन काइंड, ये भी हमको मिल जाता है। सर ठीक है, मतलब सही चल रहा है, कोई चिंता की बात नहीं। सर क्या बस इतना ही कमाते हो? द क्वेश्चन इज नहीं यार, ये तो मेरी सैलरी का एक हेड हुआ। सर दूसरा हेड जो कि मैं या कोई भी कमाता होगा, उसको हम दूसरा बड़ा हेड बोलते हैं, अगर हम लोग चाहें और समझना चाहें ढंग से, तो वो कुछ ऐसा होगा। अगर मैं लेके चलूं तो दिस इज द फर्स्ट हेड, अगर हम लेके चलें सेकेंड हेड को, तो उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। दिस इज द फर्स्ट हेड, ध्यान रखिएगा। अगर ये हेड पूरा गिवन है, तो ये उसके अंदर जो आ रहे हैं वो उसके क्या हैं? बच्चे। तो अगर कभी भी हेड पूरा गिवन हो तो बच्चों को इग्नोर कर देते हैं, मतलब अगर बाप दिया होता है, इसको अपन बोलते हैं बाप, अगर बाप दिया होगा तो उसके अंदर ऑलरेडी सारे बच्चे शामिल होंगे। और एक और बार ध्यान रखना, ये एम्प्लॉयर्स का होना चाहिए, एम्प्लॉयर्स, ये आर की इंपॉर्टेंस है। अगर इसकी जगह एम्प्लॉयज दिया हुआ है तो वो नेशनल इनकम में एड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर मैं मेरी सैलरी में से ही कुछ हिस्सा अपनी पेंशन के लिए निकाल रहा हूँ, तो वो तो ऑटोमेटिकली मेरी सैलरी में काउंट हो चुका है ना। अगर मेरे को एम्प्लॉयर कुछ अलग से दे रहा है, एम्प्लॉयर मेरे को कुछ अलग से दे रहा है ओवर एंड अबव सैलरी, तो ये अलग से काउंट होगा। तो सर यहाँ पे एम्प्लॉयर वर्ड का होना बहुत जरूरी है, एम्प्लॉयर वर्ड का होना बहुत जरूरी है। सर ठीक है, क्वाइट ऑब्वियस, मैंने बोला हाँ यार ये अच्छी बात तो है। व्हाट नेक्स्ट? अगर मैं आपको नेक्स्ट पे लेके जाऊं, तो बस जो नेक्स्ट बड़ी हेडिंग है दोस्तों, वो है ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस। सर ठीक है, अब इसमें आप क्या समझाना चाहते हो ऑपरेटिंग सरप्लस के नाम पे? तो सर अगर अपन ऑपरेटिंग सरप्लस को देखें, तो इसमें सर मैं थोड़ा बहुत पैसा रेंट के थ्रू कमा लेता हूँ, अगर सर बात माने तो। सर ठीक है,
अगर आपका घर है ऊपर से कोई फ्लोर व्लोर फ्री पड़ा हुआ है तो उसका वो क्या आ जाता होगा, रेंट आ जाता होगा। कोई बिल्डिंग है तो उसका क्या आ जाता होगा, रेंट आ जाता होगा। कोई और आपका ऑफिस पड़ा है तो उसका क्या आ जाता होगा, रेंट। तो सर मैं नहीं, बहुत सारे लोग रेंट के थ्रू भी अच्छी खासी इनकम कमा रहे हैं। एक और लेवल होता है जो इनकम कमाने का होता है, वो होता है इंटरेस्ट। क्या होता है इंटरेस्ट? आपको आपकी एफडीज पे इंटरेस्ट मिलता है, आप फाइनेंस का बहुत लोग काम करते हैं उनको फाइनेंस पे इंटरेस्ट मिलता है, कुछ लोग गोल्ड लोन या अलग अलग प्रकार से लोन प्रोवाइड करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है, कुछ लोग अलग अलग प्रकार से मतलब फाइनेंस का काम करते हैं तो उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम ही क्या होता है, पैसा ब्याज पे चलाना। पैसा किस पे चलाना? ब्याज पे चलाना और उस पर अच्छा खासा इंटरेस्ट कमाना, और वही उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। सर ठीक है, ये बात भी सही है कि यही उनका मेन सोर्स ऑफ क्या होता है, इनकम। सर इसके अलावा बहुत सारे लोग बहुत मोटे मतलब अगर मैं बात करूं इंडिया एज अ, अगर अपन बात करें इंडिया के बारे में तो सर इंडिया क्या करता है, तो इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया की अप्रोक्स 30% पॉपुलेशन भी यहीं पे रहती है, यहाँ पे सैलरीज एंड वेजेस। भाई लोग किसी ना किसी के अंदर काम करते हैं, चाहे आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हो चाहे किसी छोटी कंपनी में काम करते हो, लेकिन 30% ऑफ द लोग इसमें आ जाते हैं, ठीक है ना। 10% ऑफ द लोग या 5-8% ऑफ द लोग रेंट पे काम करते हैं, मतलब अपनी बिल्डिंग अपने कहते हैं गोडाउन और ये सब किस पे, रेंट पे या इंटरेस्ट पे ब्याज पे चलाते हैं। अब बड़ा हेड आता है जिसमें अगेन इंडिया के 40% ऑफ द लोग काम करते हैं, वो कमाते हैं प्रॉफिट। सर प्रॉफिट थ्रू व्हाट? बिजनेस। तो प्रॉफिट कैसे कमा? बिजनेस से। और देखो जो बड़ा मोटा प्रॉफिट कमाती है वो तो कौन कमाती है? कंपनीज। तो अगर अपन बात करें कि प्रॉफिट कमाया किसके द्वारा जाता है, तो कंपनीज के द्वारा जाता है, उसके बहुत सारे हिस्से होते हैं। देखो प्रॉफिट का एक पार्ट जाता है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, मतलब बहुत सारा उनपे क्या लगता है, कॉर्पोरेशन टैक्स लग जाता है, इसको अपन बोलते हैं कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। ये इसके बच्चे, इसके प्रॉफिट के बच्चे। सेकेंड अगर मैं बात करूं कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स के बाद, तो यहाँ पे आपकी आती है सेकेंड लेवल पे कॉर्पोरेट सेविंग्स, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी कुछ सेविंग्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती तो उनके पास पड़ी रहती है, उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट सेविंग्स। मतलब कंपनी जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती कॉर्पोरेट सेविंग्स में सेव रखती है, क्या ये भी उनके प्रॉफिट का पार्ट होता है? चले अभी सर तीसरा पार्ट आपके पास होता है कंपनीज का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो कंपनीज अपने पास रखती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, नहीं बांटती। तो सर आज जो कंपनी पूरा प्रॉफिट कमाती है उस प्रॉफिट का होता क्या है? तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ इसके थ्रू कि कोई भी कंपनी अगर पूरा प्रॉफिट कमाती है, तो अगर मान लो किसी कंपनी ने 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो मान लो उस पर 25 या 30 रुपए का तो क्या लग जाता है, टैक्स। कुछ पैसा उसको डिविडेंड मतलब शेयर होल्डर्स को बांटना पड़ता है, तो सर 10 या 15 रुपए कायम बांट देती है वो डिविडेंड, ठीक है ना। कुछ पैसा अपने पास सेव रखती है, तो 20 या 25 रुपए कहाँ रखती है वो अपने पास सेव। और कॉर्पोरेट सेविंग्स मतलब क्या, ये ऐसा आगे फ्यूचर के लिए ग्रोथ के लिए रिजर्व क्रिएट करते हैं, तो अप्रोक्स वो जो होता है वो भी 30 का होता है। मतलब एग्जाम्पल बात बता रहा हूँ कि ऐसे प्रॉफिट्स के टुकड़े होते हैं, गेटिंग इट। तो सर आपने इसमें मेनली कंपनी को क्यों कंसीडर करा? देखो इसमें सारे प्रॉफिट आ गए, कोई बिजनेसमैन जितने भी लोग पैसा कमा रहे हैं, चाहे वो एक पानीपुरी वाला हो या वो रिलायंस की कंपनी हो, वो सारा प्रॉफिट इसमें आ गया। बट आप खुद सोचो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो कमाती है प्रॉफिट 10,000 करोड़ 15,000 करोड़, तो नॉर्मली कंपनीज का प्रॉफिट बहुत बड़ा होता है, तो आप कंपनीज के प्रॉफिट को ध्यान में रखना पड़ता है। छोटे मोटे लोग प्रॉफिट कमाते हैं उनका तो नॉर्मल प्रॉफिट ही आ जाता है, ठीक है ना। तो ये सब प्रॉफिट के क्या है दोस्तों, बच्चे। ये सब तुम्हारे पास अगर बात करूं तो ये सब प्रॉफिट के आपके पास क्या है, बच्चे। तो सर अगर बाप दिया है तो ये बाप है तो बच्चे नहीं आएंगे, नहीं तो फिर बच्चे भी आते हैं, गेटिंग इट। सर और क्या समझाना चाहते हो इसमें? मैंने बोला यार देखो समझाना तो ये भी चाहता हूँ कि ये अपना दूसरा बड़ा हेड हो गया जिसको अपन बोल सकते हैं दादा, मतलब ये दूसरा बड़ा हेड मतलब दादा, मतलब अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है इसके अंदर मतलब रेंट भी आ गया, इसके अंदर इंटरेस्ट भी आ गया, इसके अंदर प्रॉफिट भी आ गया, और इसके अंदर कुछ कुछ लोग 1 या 2% ऑफ द लोग इसी में पैसा कमाते हैं थ्रू रॉयल्टी। थ्रू व्हाट? रॉयल्टी। आपने कोई बुक लिख दी तो उसकी रॉयल्टी, आपने कोई अच्छा डिजाइन बना दी तो उसकी रॉयल्टी, गवर्नमेंट यूज करती है उसको बोलते हैं अपन क्या, रॉयल्टी, ठीक है क्या। तो सर ठीक है ये दूसरा बड़ा हेड आ गया। तो इंडिया की अप्रोक्स अगर अपन बात करें टोटल 40-50% ऑफ द पॉपुलेशन इस पूरे सेक्टर में आ जाती है।
सर ठीक है, आपने बता दिया, मतलब ऊपर आधे लोग क्या करते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के थ्रू कमाते हैं, आधे लोग क्या करते हैं, अगर अपन बात करें इसके थ्रू कमाते हैं, रेंट के थ्रू, इंटरेस्ट के थ्रू, प्रॉफिट के थ्रू, सर क्या इसके अलावा भी कुछ है क्या? हाँ यार, इसके अलावा भी कुछ है, और वो जो कुछ है वो होता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम ऑफ, थर्ड हेड लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा, ये थर्ड बड़ा हेड है जिसको अपन बोलते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इसमें वो सारे लोग आते हैं दोस्तों जो मेरे जैसे प्रोफेशनल्स हैं, हम किसी के अंदर काम नहीं कर रहे, मतलब जो डॉक्टर हो गए, सीए हो गए, मतलब जो सीए हो गए, टीचर्स हो गए, कोचिंग टीचर्स हो गए, ठीक है ना, इंजीनियर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, तो क्या सर हम किसी के अंदर काम कर रहे हैं क्या? नहीं, हम सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब हम सब प्रोफेशनल्स है। तो जितने भी प्रोफेशनल्स अपनी अलग अलग सर्विसेज का पैसा कमाते हैं वो सब इसके अंदर आते हैं, और विश्वास मानिए इसी चीज के होने से देश की टोटल इनकम आ जाती है। आप कुछ चेक कीजिए, मैं बच्चों से सोचूंगा, बोलूंगा, एक क्वेश्चन दूंगा कि क्या इसके अलावा कोई ऐसा हेड बच गया जो लोग पैसा कमाते होंगे और कहते हैं हमने नहीं गिला। देखो, लोग सैलरीज के थ्रू पैसा कमाते होंगे, हमने ऐड कर लिया, रेंट के थ्रू पैसा कमाते होंगे, हमने ऐड कर लिया, इंटरेस्ट के थ्रू कमाते होंगे, ये जो प्रॉफिट है वो शेयर्स के थ्रू ही आता है। अगर आप प्रॉफिट को ले रहे हो, शेयर्स को आप खरीद के बेचते हो, तो कायम आता है प्रॉफिट में, किसी का शेयर मार्केट का बिजनेस है तो प्रॉफिट में आता है, और मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इन सबको ऐड करके आप देश की डोमेस्टिक इनकम तक पहुंचते हो, जिसको अपन बोलते हैं एक अच्छा नाम, और वो होती है आपकी NDP एट एफ्स, इसको बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को देश की अपन क्या बोलते हैं, अगर अपन बात माने तो देश की डोमेस्टिक इनकम, ठीक है क्या? अगर ये आप देखोगे, ये होता है इनकम मेथड। खैर, अभी इसके बारे में और बात करेंगे हम लोग, पहले यहां तक करें कि इसके बाद समझने की बात है इस पर्टिकुलर चीज में, वो ये है कि सर ये तो आपके देश की डोमेस्टिक इनकम होगी पूरी पूरी, इसमें सिर्फ एक इनकम और ऐड होती है नेशनल इनकम तक पहुंचते पहुंचते, क्योंकि और उसको अपन बोलते हैं NFIA। इस चीज का मतलब आपको जानना जरूरी है, NFIA जिसका मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब इसका मतलब क्या सर? देखो, बहुत इसका बहुत सीधा साधा मतलब है और बहुत डायरेक्ट मतलब है जिसको अपन डिस्कस कर सकते हैं कि सर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब क्या अपने हिंदुस्तानी भाई लोग क्या बाहर से बहुत सारा पैसा कमाते हैं? तो जो अपने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सीए, प्रोफेशनल्स बाहर जाके पैसा कमाते हैं और बहुत सारा पैसा कमा के लाते हैं, क्या वहां भी कमा रहे हैं? तो भी अगर वो हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, प्रोफेशनल्स हैं तो उनकी इनकम को इंडिया की नेशनल इनकम माना जाएगा। तो ये बहुत सारा पैसा हमारे पास बाहर से आता है क्योंकि हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, प्रोफेशनल पैसा कमा के आते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जो उनके डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस, टेक्नोलॉजिस्ट आते हैं, तब उनको पैसा देते भी, भाई बहुत सारे डॉक्टर्स बाहर से भी आते हैं तो उसको माइनस भी करना पड़ता, तो इट इज फ्रॉम माइनस टू, मतलब जो इनकम फ्रॉम अब्रॉड आती है, ठीक है ना, माइनस टू अब्रॉड। और ये इंडिया की थोड़ी सी बदकिस्मत ही है कि हम बाहर से पैसा कम कमा के लाते हैं और बाहर वाले यहाँ से पैसा कमा के जाते हैं ज्यादा, क्योंकि वो बड़े बड़े टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, बड़े बड़े टेक्नीशियंस होते हैं, बड़ी बड़ी मशीन लेके आते हैं, तो जो फैक्टर सर्विसेज वो देके आते हैं उसकी प्राइस क्या रहती है, काफी हाई। तो समझो अगर हम 100 कमा के आते हैं तो वो हमसे 120 ले जाते हैं, तो इनडायरेक्टली हमारी बहुत बड़ा NFIA क्या होती है, नेगेटिव। जरूरी नहीं है हमेशा नेगेटिव है, नॉर्मली हमारी क्या होती है, नेगेटिव। तो सर जब ये सब अपन ऐड कर देते हैं तो हम हमारी नेशनल इनकम तक पहुंचते हैं, और इस नेशनल इनकम को अगर अपन बात करें, वो नेशनल इनकम का मतलब अगर अपन बात करें तो वो होती है NNP at FC। तो सर ठीक है, ये बात भी सही हो गई आपके पास, NNP at FC, नेट
नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसको आप अपनी नेशनल इनकम बोल सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा यही आपकी क्या होती है, नेशनल इनकम। सर ठीक है, ये भी आपने अच्छा समझा, मैंने बोला हाँ ये चीज तो अच्छी है। अब आपको इसके साथ एक चीज और समझनी चाहिए कि सर और कैसे आपके देश की नेशनल इनकम निकल सकती है। तो दोस्तों एक और पूरा प्रॉपर मेथड होता है जिसको अपन बोलेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें आप कुछ नहीं करते हो, अगर किसी को मेरी इनकम निकालनी है तो या तो इज्जत से वो क्या पूछ ले, सर कितना कमाते हैं, नहीं तो वो मेरे खर्चों पे ध्यान देगा कि सर आप खर्च कितना करते हो, क्योंकि जितना आप खर्च करते हो प्लस जो आप सेव करते हो आपकी क्या हो जाएगी, इनकम। सीधी बात है, तो अगर वो आपके खर्चों को दिख लेगा तो भी उसको आपकी नेशनल आपकी इनकम पता चलेगी। ऐसे में अगर आपको सरकार की या देश की नेशनल इनकम निकालनी है तो सबसे पहले आप अटैक करते हो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सर इसका मतलब क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब वो सारा एक्सपेंडिचर जो प्राइवेट सेक्टर करता है अलग अलग चीजों, मतलब आप और मैं जितना खर्चा करते हैं, आप और मैं जितना खर्चा करते हैं किसी भी चीज पे जो आप सोच सकते हो, चाहे वो हम लोग अपने स्कूल के ऊपर खर्च करते हैं, ड्रेस के ऊपर खर्चा करते हैं, गाड़ियों के ऊपर खर्चा करते हैं, कार खरीदते हैं, फर्नीचर के ऊपर खर्चा करते हैं, हम खाने पीने के ऊपर खर्चा करते हैं बहुत सारा, हम लोग बहुत सारा ज्वेलरी के ऊपर खर्चा करते हैं, फूड के ऊपर खर्चा करते हैं। तो जितना हम लोग मतलब आप जो खर्चा सोच सकते हो, चाहे वो फूड हो गई, क्लॉथिंग हो गई, कुछ भी हो गया, वो सारा खर्चा जो प्राइवेट सेक्टर करता है करोड़ों में, वो सब काय में आता है आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सर सेकंड अगर अपन बात करें तो और क्या सर, तो सेकंड लेवल पे आपका आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या मतलब, क्या सिर्फ तुम ही खर्चा करते हो कि सरकार भी खर्चा करती है? सरकार भी बहुत सारा खर्चा करती है, क्योंकि देखो ना आप और मैं तो खुद के घर को खिलाने पिलाने के लिए खर्चा करते हैं, क्या सरकार बहुत सारे गरीबों को बहुत सारी सब्सिडी, बहुत सारा वीट, बहुत सारा राइस, बहुत सारा बोलते हैं अगर हम बात करूं तो डोमेस्टिक हाउसेस, बहुत बार सरकार बहुत सारा खर्चा करती है शायद डिफेंस पे, सरकार बहुत सारा खर्चा करती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पे, सरकार बहुत सारी सैलरी बांटती है किसको, अपने पुलिस डिपार्टमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को, कोर्ट डिपार्टमेंट को, सरकार बहुत सारी चीजें फ्री कर देती है, सब्सिडी कर देती है। जैसे आप एलपीजी में सब्सिडी मिल जाती है, बहुत बार अलग चीज पे सब्सिडी मिल जाती है, बहुत बार लोगों की एजुकेशन फ्री हो जाती है। तो सर सर जो आपका दूसरा बड़ा हेड है वो आपका पास क्या आ गया, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सर इसके अलावा क्या, अब आप चेक कर रहे हो कि सरकार चाहे हमारी सेविंग्स कहाँ पे होती हो, तो जो सेविंग्स होती है ना उसको अपन बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। सर इसमें क्या आती है, देखो जो हम सेव करते हैं वो हम निवेश करते हैं, तो इसमें आपकी आती है बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जो बिजनेस ओनर अपना पैसा सेव करके क्या करता है, निवेश करता है, तो इसकी होती है बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स। अगर अपन बात करें, अगर मैं बात करूं तो इसी में आती है आपकी, मैं बात करूं तो गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जो सरकार अपना पैसा निवेश करती है अलग अलग बॉन्ड्स में, और यहाँ से आपकी आगे गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इसी में आपकी आती है जो मम्मी पापा की जेब से पैसा चुरा के थोड़ा सा खुद सेव करती रहती है, हाउस होल्ड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, हाउस होल्ड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो सर ये आ गई इसके अंदर, मैंने बोला हाँ ये बातें तो आ गई। अब अगर अपन बात करें और अच्छे से बात करें तो सर हम किस तरफ जा रहे हैं, अगर हम लोग सिस्टमेटिक देखें तो हम यहां तक तो आ गए एक्सपेंडिचर मेथड। सर इसके बाद आपके पास आता है चेंज इन स्टॉक, क्या आता है आपके पास, चेंज इन स्टॉक की कितना माल बनाया था माइनस कितना माल स्टार्टिंग में था, मतलब क्लोजिंग स्टॉक
माइनस वॉट ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि एक बात देखो ना, जो स्टॉक बच गया वो इस साल खर्चा तो नहीं हुआ, पहले बना इस साल ही, लेकिन क्या वो इस साल खर्चा हुआ क्या? नहीं, ठीक है। अगर अपन बात करें तो सर नेक्स्ट आता है आपके पास आपके देश के नेट एक्सपोर्ट कि आपने कितना एक्सपोर्ट करा, क्योंकि जो आपके एक्सपोर्ट्स होंगे क्या वो भी आपके देश की नेशनल इनकम का पार्ट होंगे? यस। तो यहाँ पे आप कर दोगे एक्सपोर्ट्स माइनस व्हाट इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, ठीक है। सर जब आप इतना सब कुछ अपने इसमें ऐड कर चुके होते हैं तो आप एक फिगर पे आते हैं जिसको मैं बोलूंगा तो लेके चलें, अगर अपन ये सब ऐड होने के बाद आप लेके आते हैं जीडीपी एट एमबी। ध्यान रखिएगा आप लोग एक पहले पड़ाव पे पहुंच गए, इसका नाम ही क्या था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सर ठीक है, अच्छी बात। इस पे पहुंचने के बाद क्या करना पड़ता है? अब इसके पहुंचने के बाद आपको नेशनल इनकम तक के सफर के पहले एक एंगल और समझना पड़ेगा कि देखो ग्रॉस मतलब क्या। सबसे पहली बात तो अगर अपन बात करें कि देश में कितना नेट, कितना माल टोटल बना, कितना माल टोटल बना, लेकिन एक बात बताओ जब ये सब माल बनाया गया, अगर मैं आपसे कुछ कंसेप्ट लेके चलूं तो कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पूरे चैप्टर का जो भी आप पढ़ने जा रहे हो वो इस प्रकार का है कि अगर आपको ग्रॉस से नेट निकालना, नेट का मतलब क्या होता है समझा, तो इसमें से आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। तो सर डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। सर इसका मतलब क्या, मतलब डेप्रिसिएशन का मतलब क्या? मुझे एक बात बताओ, इस साल तुमने बहुत सारा फर्नीचर बनाया, बहुत सारा क्लॉथिंग बनाई, बहुत सारे डिफेंस के इक्विपमेंट बनाए, बहुत सारा फूड उगाया, तुमको लगता नहीं चाहे फर्नीचर चाहे क्लॉथिंग चाहे फूड या अलग अलग आपने कोल जो एक्सट्रैक्ट करा, इन सबसे नेचुरल रिसोर्सेस कम हुए होंगे? आपके देश का जो कैपिटल स्टॉक है वो सब क्या हुआ होगा? कम होगा, क्योंकि आपने बहुत सारा खदान से कोयला निकाला, पेट्रोलियम निकाला, फिर आपने बहुत सारे पेड़ काटे जिससे आपके क्या बने, फर्नीचर बना, आपने बहुत सारी चीजें स्टील एल्यूमिनियम जितने भी रिसोर्सेज हैं आपने देश की भूमि से ही निकाले, तो आपकी देश का कैपिटल स्टॉक मतलब आपके देश का नेचुरल स्टॉक वो क्या हो गया, कम हो गया। तो इसको बोलते हैं अपन डेप्रिसिएशन, क्या बोलते हैं डेप्रिसिएशन, और ये कम हो गया होगा ना, क्योंकि जिस रेट से हम लोग चीजें निकालते हैं ऐसा तो नहीं कि आपने जितने साल निकाला वो अगले साल तक उग जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, गेटिंग इट। तो ये जितना भी चीज होती है इसको अपन क्या बोलते हैं डेप्रिसिएशन, जिसको हम बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, क्या बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ। तो ये बात आपकी और हमारी बात कंफर्म रहेगी सब, जब भी ग्रॉस से आपको नेट पे जाना होगा तो आप डेप क्या करोगे माइनस, और जब भी आपको नेट से ग्रॉस की तरफ जाना होगा तो आप डेप क्या करोगे प्लस, आप डेप्रिसिएशन क्या करोगे प्लस। सर ठीक है, क्वाइट ऑब्वियस, क्वाइट गुड, मैंने बोला हाँ। अब अगर मैं आपसे बात करूं आपको देश की जितनी भी अभी ये सब आया है ये सब काय पे आया है, मार्केट प्राइस पे आया है। मतलब अगर आज कोई बोले कि आप देश की नेशनल इनकम कितनी है मार्केट प्राइस पे, तो मैं तो बोल सकता हूँ 200 लाख करोड़। लेकिन क्या सर ये एक्चुअली आपके देश की इनकम इंक्रीज इनकम है? तो देखो यार एक बात ध्यान रखना कि ये देश की एक्चुअल इंक्रीज इनकम नहीं है, मैं तो बोलूंगा देश की नेशनल इनकम एक्चुअल है ही नहीं, ये तो मार्केट प्राइस पे। सर इसका मतलब ये तो वही बात हो गई कि कुछ नहीं हुआ, आपके देश की इनकम बढ़ी नहीं। जो पहले कचोरी देश की नेशनल इनकम में ऐड होती थी 5 रुपए की, अगर वो कचोरी ही 12 रुपए की हो गई तो अब उसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो, 12 से। तो इसका मतलब क्या नंबर ऑफ कचोरी बढ़ गई, कचोरी की सिर्फ प्राइस बढ़ गई। जो कार कभी आती थी 4 लाख की वो आज आ गई 9 लाख की, तो आप बोल रहे हो कारें ज्यादा नहीं बनी, सिर्फ कार की मार्केट प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई। तो सर मार्केट प्राइस तो ऐसे ही बढ़ जाती, किसी भी एंगल से बढ़ जाती, कटिंग इट। तो ऐसे केस में आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट प्राइस से आपको आना पड़ेगा फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि कितने की वो चीज बनी थी, नॉट उसकी मार्केट प्राइस कितनी है। आज कल से कोई बोलेगा सर एक फर्नीचर हो गया जो पहला था 500 रुपए का आ जा रहा है 3000 रुपए का, तो सर 500 रुपए की चीज अगर 3000 रुपए की होगी इसका मतलब आपकी नेशनल इनकम थोड़ी बढ़ी, इसका मतलब से उसकी क्या बढ़ी,
प्राइस, तो प्राइस किसके कारण बढ़ती है? प्राइस बढ़ती है टैक्सेस के कारण, प्राइस बढ़ती है आपके जीएसटी के कारण, एम आई राइट रॉन्ग? टैक्सेस होते हैं वो सब आपको करने पड़ते, हटाने पड़ते, इसको अपन बोलते हैं एनआईटी। एनआईटी का फुल फॉर्म होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसका अल्टीमेटली मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस व्हाट। तो इसका मतलब यही बात हुई क्या जो आप बोल रहे हो? मैंने बोला हाँ यही बात हुई जो मैं बोल रहा हूँ कि इसमें जितने भी टैक्सेस होते हैं वो आपको हटा, टैक्सेस जो है उससे चीज की प्राइस क्या होती है? बढ़ जाती है, और सब्सिडीज से उस चीज की प्राइस क्या होती है? कम हो जाती है। तो आपको सारे टैक्सेस हटाने पड़ते हैं, मतलब कभी भी आपको मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट पे आना हो तो आपको टैक्सेस क्या करने पड़ेंगे? हटाने पड़ेंगे। माइनस व्हाट? एनआईटी। एनआईटी का मतलब क्या हो गया? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है क्या? और सर फैक्टर कॉस्ट से अगर अपने को मार्केट प्राइस पे जाना हो तो फिर अगर आपको प्लस क्या करना पड़ेगा? एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा एग्जांपल जीएसटी, सेल्स टैक्स, वेट, ये सब तुम्हारे क्या होते हैं? जो जितना जीएसटी लगता है, सोचो ना बहुत सारी चीजों पर 18% जीएसटी लगता है, मतलब चीज होती 10,000 की हो जाती 11,800 की, गेटिंग इट? तो आप बहुत कुछ कुछ कार पे देखो तो कारों पे करीबन 24-25% का जीएसटी लगता है, मतलब 6 लाख की कार कितनी हो जाती है? 8 लाख की, उसमें जीएसटी कितना लगता है? 25%। तो अगर आप कार को 8 लाख पे जोड़ रहे हो तो गलत है ना, कार है कितने की? 6 लाख की, गेटिंग इट? सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आप सीख चुके, वैसे अगर आपको कभी भी डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाना, अगर आपको कभी भी डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाना हो, डोमेस्टिक इनकम से कहाँ जाना हो? नेशनल इनकम पे, तो आप क्या ऐड करते हो? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और अगर नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पे आना हो तो आप क्या करते हो? NFIA क्या करते हो? माइनस, मतलब डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना हो तो आप NFIA क्या करोगे? प्लस। और नेशनल से डोमेस्टिक पे आना हो तो NFIA क्या कर देंगे आप? माइनस, ठीक है। तो सर इससे अगर अपन देखें, इन चीजों को देखें और इस वाले चार्ट को बहुत ज्यादा गौर फरमा लें आप लोग, तो सर ये बात तो आपकी बात माननी पड़ेगी कि अपन नेशनल इनकम पे तो नहीं आए स्टार्ट। मैंने बोला हाँ नहीं आए, आएंगी सर। कैसे आएंगे इसमें नेशनल इनकम पे? अभी आप जीडीपी पे खड़े हो ना, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो इसमें से अपन माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। क्या माइनस करेंगे? डेप्रिसिएशन, ताकि अपन जी से कहाँ पहुंच जाए? एन पे। तो जब आप ग्रॉस से नेट पे आना चाहते हो, जीडीपी एट एमपी में से क्या माइनस कर दोगे आप? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम पता है आपको? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो सर यहाँ पे आप जीडीपी एट एमपी से किस पे आ जाओगे? एनडीपी एट एमपी पे। किस पे आ जाएंगे आप लोग? एनडीपी एट एमपी। सर अब आपकी क्या इच्छा होगी? मैंने बोला मेरी इच्छा होगी मैं मार्केट प्राइस से कहाँ पे जाऊँ? फैक्टर कॉस्ट पे। तो सर मैं यहाँ पे माइनस करने की कोशिश करूंगा माइनस एन आई टी। तो सर ये जो आप एन आई टी माइनस करोगे, इससे आप कहाँ पहुंच जाओगे? अगर कोई मुझसे बोले तो सर मैं इसके बाद पहुंच जाऊंगा एन डी पी एट वॉट? एफ सी। एन आई टी का फुल फॉर्म क्या था बताओ? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसका अर्थ क्या था? टैक्सेस माइनस, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस वॉट? सब्सिडीज। सर ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही है। मैंने बोला हाँ यार ये बात भी बिल्कुल सही है। सर अगर आप हम देखें तो आप कहाँ पहुंच गए? एन डी पी एट वॉट? एफ सी। एनडीपी एट वॉट? एफ सी। सर आपकी ये डोमेस्टिक इनकम है, अब आपको कहाँ जाना है? डोमेस्टिक से कहाँ पे जाना है? नेशनल पे। तो सर अगर डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो आपको ऐड करना पड़ेगा एन एफ आई ए, मतलब एन एफ आई ए में क्या करते हैं? फ्रॉम माइनस वॉट टू। सर अगर अपन लेके चले और सिस्टमेटिक लेके चले, जितना मैं समझ सकता हूँ, यहाँ पे आ गया आपके पास एन एन पी एट वॉट? एफ सी। एन एन पी एट एफ सी। सर ठीक है, बात तो अच्छी है। मैंने बोला हाँ यार दोस्तों बात तो अच्छी है। और ये आपका कौन सा चार्ट बन गया? पूरा पूरा एक्सपेंडिचर मेथड कौन सा चार्ट बन गया आपके पास?
एक्सपेंडिचर मैन। ठीक है सर, अगर अपन लेके चले गेम्स को आगे तो सर अपन क्या चाहते हैं? मैंने बोला चलो हम लोग कुछ बुक के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे कि चीजें कैसे लेके जाएंगे हम लोग, देखते हैं एक बार। अपन संदीप गर्ग के क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 16 संदीप गर्ग की अगर अपन बात करें तो आप सबसे पहले देखें कि आपको वेजेस एंड सैलरीज दिख रहा है क्या? जितना मुझे लगता है शायद 500, चेक करें। फिर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स बुक में दिख रहा है क्या? बुक में देखो एक बार। 50 चले। उसके बाद अगर अपन बात करें तो क्या पेमेंट इन काइंड, ये सब नहीं सर, ये सब तो नहीं दिख रहा है। क्या रेंट दिख रहा है क्या? रेंट अगर अपन बात करें तो सर आपको तो पूरा ऑपरेटिंग सरप्लस ही दिख रहा है, कितने का? 900 का। अगर बाप दिया है तो बच्चे नहीं आएंगे, अगर दादा आ गए अपने तो बच्चे नहीं आएंगे। सर मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड स्टार्टिंग में गिवन है कितनी? 200। अगर यहाँ तक पूरा ऐड कर लें तो मेरे ख्याल से 900 प्लस 200 1650। अभी तक की आपकी क्या होगी? NDP@FC। इसमें आप क्या ऐड कर दोगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो कि अगर अपन देखें -10 गिवन है। वाओ सर, तो मतलब आपकी नेशनल इनकम कितनी होगी? 1640। सर क्या क्वेश्चन खत्म? हाँ क्वेश्चन खत्म, एग्जाम में इसके 4 मार्क मिले। अगला क्वेश्चन है, आप चेक करो आपको वेजेस एंड सैलरी गिवन है। हाँ सर, कितना है? 600। क्या आपको एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन? नहीं सर, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन तो नहीं मिल रहा है। क्या पेमेंट इन काइंड? सर वो भी नहीं मिल रहा है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस की कुछ बातें, रेंट एंड इंटरेस्ट? हाँ सर, रेंट और इंटरेस्ट मिला के गिवन है 160। फिर सर प्रॉफिट तो नहीं दिख रहा, लेकिन प्रॉफिट के बच्चे दिख रहे हैं। कॉर्पोरेशन टैक्स गिवन है शायद, चेक करो, 40। देन आपके पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट गिवन है 60। हाँ सर, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट गिवन है 60। डिविडेंड गिवन है 20। और कॉर्पोरेट सेविंग्स या सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर के गिवन है क्या? कॉर्पोरेट सेविंग्स दिख तो नहीं रही है शायद। नहीं सर, कॉर्पोरेट सेविंग्स नहीं गिवन है। तो यहाँ पे और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इज 280। ठीक है, अगर यहाँ तक लगा लें अपन, ये 800, 880, 960, 1160 यहाँ तक पहुंच चुके हैं। क्या आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है? यस, -20। आ जाएगा 1140। एक बार चेक कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है।